वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स नेम इज आबिद हुसैन केके। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, इट्स अ राइट टाइम टू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन एज यू कैन गेट ऑल माय वीडियोस। टुडे वी विल लर्न अबाउट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम जिस टेंस के बारे में सीखेंगे उसे उर्दू में कहते हैं ज़मान मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। मतलब कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा और उसमें वक्त भी दिया गया हो, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, दो घंटे से, 15 मिनट से, तो उस टेंस को कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका फार्मूला भी है। सबसे पहले इसमें लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर इंग फॉर्म लिखते हैं वर्ब का, जैसे ड्रिंक तो ड्रिंकिंग, और लास्ट में लिखते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये फार्मूला अपने जहन में बनाएं। जिस तरीके से हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सीखा, इस फार्मूले को याद किया, इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला जहन में रखें। और इसके हेल्पिंग वर्ब दो हैं, शल हैव बीन, विल हैव बीन। जैसा कि हमें पता है कि आई और वी के साथ लगता है, शल हैव बीन और रिमेनिंग जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ लगता है विल हैव बीन। फॉर एग्जांपल, मैं सुबह से नज़म याद कर रहा हूँगा, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई शल हैव बीन मेमोराइजिंग पोएम सिंस मॉर्निंग। बिल्ली 5 मिनट से दूध पी रही होगी, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी द कैट विल हैव बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर 5 मिनट्स। इसमें ये जहन में रखें कि सिंस लगता है मुकरर वक्त के साथ, जिसे शुमार नहीं कर सकते, जैसे सुबह से, शाम से, रात से, 1947 से, इनके साथ लगता है सिंस। और फॉर लगता है मुकरर मुद्दत के साथ, जिसे शुमार कर सकते हैं, जैसे 2 मिनट से, 3 मिनट से, 1 घंटे से, 2 घंटे से, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। आइए कुछ मज़ीद एग्जांपल से सीखते हैं। लड़की दोपहर से आराम कर रही होगी, इसकी इंग्लिश होगी द गर्ल विल हैव बीन रेस्टिंग सिंस नून। मेरा भाई 10 मिनट से नाश्ता कर रहा होगा, इसकी ट्रांसलेशन होगी माई ब्रदर विल हैव बीन टेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर 10 मिनट्स। अहमद सुबह से मेहमान का इंतजार कर रहा होगा, इसकी इंग्लिश होगी अहमद विल हैव बीन वेटिंग फॉर गेस्ट सिंस मॉर्निंग। किसान 1 घंटे से सांप को मार रहे होंगे, किसान ज़्यादा हैं तो फार्मर्स एस भी लगाएं, प्लूरल करें, फार्मर्स विल हैव बीन किलिंग स्नेक फॉर 1 आवर। अली 20 मिनट से अपने अब्बू को ख़त लिख रहा होगा, अली विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर टू हिज फादर फॉर 20 मिनट्स। ये सुबह से मोबाइल इस्तेमाल कर रहा होगा, इसकी ट्रांसलेशन होगी ही विल हैव बीन यूजिंग मोबाइल सिंस मॉर्निंग। एक्सीलेंट। आइए अब सीखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है जिसके हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी शल और विल के बाद नॉट लगे, तो वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। बहुत ही आसान है और उर्दू में इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे वो मेरा सुबह से इंतज़ार नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। वो गांव 3 दिन से नहीं जा रहे होंगे। नहीं का वर्ड बताता है कि ये जुमला नेगेटिव है। दे विल नॉट हैव बीन गोइंग टू विलेज फॉर 3 डेज।
अली कल रात से खाना नहीं खा रहा होगा। इसकी इंग्लिश होगी अली विल नॉट हैव बीन ईटिंग मील सिंस लास्ट नाइट। हम एक साल से गाली नहीं दे रहे होंगे। इसकी इंग्लिश होगी वी शैल नॉट हैव बीन अब्यूजिंग फॉर वन ईयर। शैल और विल के बाद नॉट लगने से वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। चोर दो हफ्तों से चोरी नहीं कर रहा होगा। द थीव विल नॉट हैव बीन स्टीलिंग फॉर टू वीक्स। वेल डन। आइए अब सीखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव मतलब सवालिया सेंटेंस कैसे बनते हैं। सवालिया का मतलब है कि जिसमें सवाल पूछें आप, और अगर इसी को आप विल और शल हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देंगे तो वो इंग्लिश में इंटरोगेटिव बन जाएगा। जैसे क्या वो शाम से दूध पी रहा होगा। Will he have been drinking milk since evening? क्या अली 3 घंटे से गाड़ी चला रहा होगा। इसकी इंग्लिश होगी Will Ali have been driving car for 3 hours? क्या वो सुबह से काम कर रही होगी। Will she have been working since morning? क्या वो 1 साल से गाली दे रहे होंगे। Will they have been abusing for 1 year? क्या तुम 15 साल से कराची में रह रहे होंगे। Will you have been living in Karachi for 15 years? Well done. Now there's an exercise for you. You have to solve this exercise. अब क्या करना है आपको कि ये बताना है कि ये एक्सरसाइज आपने सही सीखी या नहीं। तो इनकी ट्रांसलेशन करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि इनकी उर्दू या हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 जुमले लिखे गए हैं। आपको ट्रांसलेट करके बताना है कि इनकी उर्दू या हिंदी क्या होगी। ये डिपेंड करता है कि कितने अच्छे तरीके से आपने इस वीडियो को देखा और टेंस को सीखा। नाउ वंस अगेन इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल इट्स द राइट टाइम टू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन एज यू कैन गेट ऑल माय वीडियोस। थैंक्स अ लॉट।